राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर है लतरातू डैम। जंगलों पहाड़ों के बीच यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। फुर्सत के दिनों में आसपास कई जिलों के लोग प्रकृति के इस सौंदर्य को निहारने और यहाँ बोटिंग का मजा लेने आते हैं। कुछ पर्यटक तो यहाँ की तुलना कश्मीर से करते हैं। बहुत अच्छा जगह है यहाँ, जब भी आते हैं अच्छा लगता है, कश्मीर जैसा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। रांची से हम लोग हमेशा आते रहते हैं यहाँ घूमने के लिए। हाल के दिनों में बोटिंग की व्यवस्था हो जाने से यह डैम सैलानियों को और भी आकर्षित करने लगा है। वहीं इससे यहाँ रोजगार को भी काफी बढ़ावा मिला है। यहाँ करीब 35 नौका चालकों का दल है जिन्हें गोवा भेजकर प्रशिक्षित किया गया है। तो नॉर्मली 4-5 ट्रिप होता है, संडे के दिन में हो जाता है 8-10 ट्रिप। उसमें हम लोग अभी 36 से 40 लोग हैं। यहाँ के लड़कों को गोवा भेजा गया, प्रशिक्षण भेजा गया और गोवा जाने के बाद वो प्रशिक्षित होकर बोट चला रहे हैं। सर यहाँ रोजगार 30 लोगों को रोजगार हुआ। यहाँ पर लोग आने से डरते थे। अभी साई मंदिर बगल में साई मंदिर है, यहाँ से भी लोग आ जाते हैं पार्क घूमने के लिए। यहाँ कैंटीन चलाने वाली स्थानीय महिला रजनी बताती हैं कि पहले इस इलाके में लोग भयवश आने से भी कतराते थे, लेकिन अब तो खास मौकों पर यह जगह गुलजार हो जाता है। पहले तो बहुत जंगल था यहाँ पे और कोई आदमी सब उतना नहीं आते थे, और अभी फिलहाल में 2 साल के बाद में बहुत अच्छा लगता है इधर, आदमी सब आते जाते रहते हैं। नया साल का दिन ही उसमें बहुत भीड़ होता था। अनेक जलप्रपातों और जल स्रोतों के साथ साथ झारखंड में कई ऐसे रमणीक स्थल हैं जो हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। इसे और अधिक बढ़ावा दिए जाने से राज्य में पर्यटन एक बड़ा रोजगार प्रदायी सेक्टर हो सकता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।